जय सीएचसी दोस्तों, आज बात करेंगे मिड सेशन 3, जिसमें आपका नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म है केमिस्ट्री पोर्शन में। सीएलसी में जेई की भी टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, नीट की भी चालू है और आपने दो टेस्ट दे दिया। ये थर्ड है नीट के लिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा पाई। देखिए क्वेश्चन ये है ना, नंबर ऑफ एनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम के, जैसे बेंजीन है, यह है बेंजीन, ठीक है। अब कार्बन कार्बन बीच में वन सिग्मा वन पाई है, इसमें है, यहां है वन सिग्मा, यहां है वन सिग्मा वन पाई, यहां है वन सिग्मा, यहां है वन सिग्मा वन पाई, ठीक है बेटा। तो बेंजीन में कितने हो गए, 6 sigma 3 pi। तो ये बेंजीन के मैच द कॉलम है ना। फिर CH3 CH2 CHO, इसको देखो बेटा, ऐसे आप कार्बन कार्बन बांध पूछा है, आप इसमें कंफ्यूज, CH3 CH2 COH, तो 1 2, कितने सिग्मा है, 2 sigma 2 sigma है, कोई पाई बॉन्ड है इसमें कार्बन कार्बन बीच में कहीं नहीं है, तो 2 sigma no pi, सही है। प्रोपीन CH3 CH double bond CH2, 1 2 sigma 1 pi, ये हो गया प्रोपीन 2 sigma 1 pi। ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 OH, यहां 1 sigma 1 sigma, कोई पाई बॉन्ड है भाई, 1 2, ठीक है। तो ब्यूटेनॉल, एक कार्बन और है ना CH2, एक यहां भी हो गया, तो 3 sigma है और कोई पाई बॉन्ड नहीं है, क्लियर बेटा। तो आंसर डी का क्या हो गया, फर्स्ट। तो ए का क्या हुआ, 2, ये दो ऑप्शन देखे तुम्हें, ठीक है। बी का क्या है, बी का 4, ये मिल गया आपको आंसर, बी का 4 ये मिल गया आंसर, ठीक है। ध्यान से देख लो, हमें पूछा गया है कार्बन कार्बन बीच में सिग्मा और पाई, बोलो क्लियर कट के बात सेट है, तो आंसर इसमें क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों ने ये गलत किया होगा, केवल कार्बन कार्बन ऊपर आपको ये देखना है काम, थर्ड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इस क्वेश्चन को देख लिए, क्वेश्चन देख लिया, सिंपल सा है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। 1 degree 2 degree 3 degree हाइड्रोजन पूछ रखा आपसे, तो इसके पीछे सुनिए, अगर कार्बन डायरेक्ट 1 carbon से है तो 1 degree, 2 से है तो 2 degree, 3 से है तो 3 degree, 4 से है तो 4 degree, 4 degree कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन होता नहीं है, तो 1 degree 2 degree 3 degree हाइड्रोजन पूछ रहा है। तो ये देखो बेटा, 1 degree ये है, ये 1 degree है, ये क्या है 2 degree, ये क्या है 2 degree, ये क्या है बेटा 3 degree, ये क्या है 3 degree, देख लो ध्यान से, ये सब क्या है 2 degree, बोलो। तो 1 degree कार्बन कितने हो गए, 3 3 6, 2 degree कार्बन 2 4 6 8 10, ये दिख गया आपको, और 3 degree कार्बन ये 2, आंसर हो गया सेकंड, एकदम कूल हो के आपको ये सब देखना है, बोलो बेटा सही है, आगे चलें नेक्स्ट। तो इसमें आंसर हो गया सेकंड। Which of the following compound is correctly matched with their prefix? Prefix, देखो CH3 CH2 CO, CO का prefix क्या होता है, ऑक्सो, यही सही हो गया। Next गलत कैसे है, formula हो जाता है, CHO है, COCl, carbonyl, ये carboxylic, तो answer कौन सा हो गया, first। ये सीधे याद, prefix suffix जानते ही हो, जो पहले लगे prefix, बाद में लगे उसका suffix। नेक्स्ट चलें, आराम से देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उधर से करोगे जैसे साइड से नजदीक, और फंक्शनल ग्रुप से करनी है, यहां से यहां 2 ऑप्शन, लेकिन इधर CH3, तो 1 2 3 4 5, 2-methyl pentane 1,5-dioic acid, सिंपल सी कहानी, आईयूपीएसी क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन आईयूपीएसी का आ रहा है आजकल, और आइसोमेरिज्म के दो, देखो लास्ट ईयर तो कोई नहीं आया, तो हो सकता है इस बार आइसोमेरिज्म एक टेक्निकल क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो आइसोमेरिज्म पे इस पे ध्यान देना, एक बार तो 3-4 क्वेश्चन आ गए थे। खैर
नेक्स्ट फिदर, सिंपल, जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी शुरू होती है फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, बस इसमें एक कार्बन अपनों ने बढ़ा रखा है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो दोनों एक नंबर पे होंगे तो नंबर ही कहां से करोगे, डबल बॉन्ड से। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्स, 1 ईन 5 आयन। ये देखिए सीधा काम, हेक्स 1 ईन 5 आयन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद देयर कॉमन नेम, कॉमन नेम। टार्ट्रिक एसिड नहीं, टार्ट्रिक एसिड में COH होता है और इधर OH, देख रहे हो, ये होता है टार्ट्रिक एसिड। वुड स्प्रिट मेथेनॉल, ये वुड स्प्रिट है और ये है ग्रेन स्प्रिट, ये तो गलत हो गया ना। तो लैक्टिक एसिड ये सही है, लैक्टिक एसिड इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना। वुड स्प्रिट, अब एल्कोहल में जाना आप, वुड स्प्रिट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ग्रेन स्प्रिट वहां पढ़ लेना, वहां से इसे बता दिया ग्रेन स्प्रिट है, ये वुड स्प्रिट है। ठीक है बेटा, आगे 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच्ड, एनिलीन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, सही बात है। बेंजोनाइड का मतलब ये भी आ सकता है आपसे, बेंजोनाइड NH2, बिल्कुल सही है। टेट्राहाइड्रोफिनोन सही है, एलिसाइक्लिक तो ही है। एस्टरडिहाइड एलिफैटिक कंपाउंड सही है, एस्टरडिहाइड CH3CHO। अब जिस क्वेश्चन को आप तक पहुंचाना है देखो ये, और ये इसलिए कि सीधा आएगा क्वेश्चन, ट्रोपोन है इसमें, ये भी पूछ सकता है एरोमेटिक वगैरह कुछ भी, लेकिन यहां कह दिया हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, हेट्रो ये क्या है, होमो, तो इनकरेक्टली। और एक बात और बता दें, पुरानी एनसीईआरटी में कई जगह इसके बारे में बात है, और कुछ पुरानी एनसीईआरटी में यहां पे OH लगा के ट्रोपोन लिखा है बेटा, सही करना उसको, ये ट्रोपोलोन है, ये क्या है ट्रोपोलोन, ये हट गया तो क्या हो जाएगा ट्रोपोन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना सीधा आएगा बात, सही है। इसकी नंबरिंग IPAC, इधर से करो मिथाइल 3 नंबर, इधर से करो इथाइल, तो 1 2 3 4 5 6 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, कहां पे है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, सही बात, सही है। नेक्स्ट 9 नंबर, पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन ये है 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन, ये है कह रहा है होमोलोगस है, बिल्कुल सही बात है। CH2 का डिफरेंस हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे होमोलोगस। अब यहां कह रहा है पेंटेन इज स्ट्रेट चेन, सही बात है, और 2 मिथाइल पेंटेन ब्रांच है, ये भी सही बात है, लेकिन इसका कोई लेना देना थोड़ा है होमोलोगस के लिए, कोई मान लो चेन है कुछ ब्रांच है, ऐसा थोड़ा ना वो हो जाएगा, वो तो CH2 का डिफरेंस हो। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, मेन कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम एल्केन है तो दोनों एल्केन होने चाहिए। अब इसी में ब्रांच कर देते और एल्कीन बना देते तो पेंटेन और ये होमोलोगस होता, बिल्कुल नहीं होता। अरे बात समझ गए, दोनों एल्केन होने चाहिए, ब्रांच अनब्रांच का मामला सही है, तो इसलिए ये दोनों सही है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता। 9 नंबर देख लो, सही है, क्लियर बात, आराम से जूम करके देख लेना, पॉज करो देखो कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इधर देखो आप सीधे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 नंबर पे Cl है, यहां 2 नंबर पे Cl है, पूछ रहा है किस टाइप का आइसोमर है, तो पोजीशन है भाई, एक में फंक्शन ग्रुप की पोजीशन कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तो क्या हो जाएगा पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर इज नॉट पॉसिबल, एल्कोहल का ईथर, एल्डिहाइड का कीटोन, एल्कोहल का ईथर, हैलाइड, अब हैलाइड फंक्शनल आइसोमर कहां, Cl है, अब उसका क्या चेंज करोगे, बीच में ला नहीं सकते, तो एल्काइल हैलाइड है उसका फंक्शनल आइसोमर है, साइनाइड का NC हो जाएगा, बोलो सही बात, एकदम क्लियर बात को, हर चीज को अपने एक्सप्लेन उधर बात कर रहे हैं। फंक्शनल आइसोमर कौन सा होगा, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एक में कोई और फंक्शनल ग्रुप, दूसरे में कोई और,
ठीक है, सीएल के साथ ऐसा नहीं होगा, सीएल बीआर जो भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। सुन लो पहले, ऑप्टिकली एक्टिव सीधा क्वेश्चन आ सकता है भाई, अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करेगा, एक से अधिक है तो हमें देखना है कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव, सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक वन कायरल कार्बन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो आ गया CH3CHOH C2H5, देख लो वन कायरल कार्बन है ना, हो गया बेटा, बोलो सही है ऑप्टिकल एक्टिव। हिंदी अपना देखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कौन प्रकाश सक्रिय, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्नलिखित यौगिकों के ऊपर विचार कीजिए, कह रहा है इसमें से जो कंपाउंड है कौन जीआई शो करेगा, तो भैया ये करेगा, देखो एच एच सीएल दोनों एक तरफ अपोजिट कर दिए, क्या हो गया ट्रांस करेगा, ये CH3 एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप, एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है जीआई शो, अगर यही CH3 कर देते ना तो नहीं होता, ये थ्री C3 to C7 रिंग, तीन से लेके सात तक की रिंग में डबल बॉन्ड कराउंड जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन 8, 9, 10 शो करेगा। तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये करेगा, ये नहीं करेगा, 2, 3 dimethyl butene, एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ गए, जीआई शो नहीं करेगा, ये करेगा 1, 2 dibromo propene, यहां एच है यहां एच है, करेगा। तो कितने नंबर पूछ रहा है ना, तो नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, 1, 2, 3, 5, ठीक है, देख लो इधर भी सब सेम, ठीक है डियर। चलो आगे 40 नंबर, इसमें देखो, इसमें पेपर में तुम्हारे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 1, 2, 2 की पावर 2, अनसिमेट्रिकल है, 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, और वहां लिखा है ना पेपर जो तुमने दिया इसमें कि काइरल सेंटर हैव 4 डिफरेंट ग्रुप लिखा है, 4 डिफरेंट ग्रुप, तो ये भी सही है, ठीक है ना, वहां ग्रुप लिखा होगा, मतलब किरल कार्बन में 4 अलग अलग समूह होते हैं या संयुक्तता होती है, ठीक है, वहां दोनों में समूह लिखा हो तो भी सही है, 4 डिफरेंट वैलेंसी लिखा हो तो भी सही है, ठीक है, ये पेपर में होगा, ठीक है ना। यहां देखो कंपाउंड दिया तो उसमें क्या था आंसर, दोनों सही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड आर फॉल्स, नहीं फर्स्ट नहीं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। 14 देख लो सही है। अब आते हैं नेक्स्ट 15। हेलो, ये कंपाउंड दे दिया गया, पूछ रहा है कौन सा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ज्यामिति समान होता है, ज्यामिति और प्रकाशीय प्रकाशीय चला जाता है, तो ज्यामिति देखो, एक कार्बन पे सेम ग्रुप जीआई शो करेगा नहीं करेगा, काइरल है HCOHCH3 और ये बड़ा सा ग्रुप क्या शो करेगा, ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल ये है, ठीक है, वन कायरल कार्बन, अभी बताया ना वन कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक। इसमें सिंपल सी मीजो, मीजो क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो और कम से कम क्या हो, 2 कायरल हो, कम से कम 2, 3 भी हो सकता है 4, तो ये देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया तो ये है, ये नहीं है क्योंकि अनसिमेट्रिकल, देखो CLH, ये देखो सिमेट्रिकल है, ऐसे ऐसे काट दिया, सिमेट्रिकल है और 2 कायरल है, तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड कहां पे है, यह ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं अमोनियम साइनेट, अगर एनसीईआरटी देखोगे तो NH4CNO को हीट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, NH4CNO को हीट किया क्या बना, यूरिया, यूरिया टोटोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन हम लोगों को क्या पूछा गया है कि ये दोनों कौन से आइसोमर हैं, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और एक में साइनेट और एक में एमाइट, तो दोनों क्या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये कौन सा आइसोमर शो करेगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट चलें किरल, देखो
इसको ऐसे काटोगे तो अब तो किरल, किरल मतलब हमें देखना सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, लेकिन ऐसे काटा, ये केवल कार्बन नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, किरल, ऐसे काटा तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल, तो ये किरल नहीं है। ये देखो ऐसे काटा, किरल है, ये ऐसे काट दिया, किरल है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड आंसर देखो सही है। क्या देखना हमें, जो अनसिमेट्रिकल, ये क्यों नहीं है, क्योंकि उसी एक्सिस में कट जाएगा, मतलब लड्डू है इधर, पेड़ा है, सीधे काट दिया तो पेड़ा पेड़ा आधा हो गया, लड्डू लड्डू आधा हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। ठीक, नेक्स्ट C7H8O बेंजीन वाले, तो C7H8O बनाओगे इसको, एक बन जाएगा CH2OH और एक में यहां कर दिया OH और ऑर्थोमेटा पैरा है, यहां पे यहां पे यहां पे CH3 लगा दिया, तो तीन तो ये होगा एक, और एक बन जाएगा ये OCH3, एक में हो गया बेंजीन के ऊपर CH2OH, एक में OH लगाया, एक बार ऑर्थो पे CH3, एक बार मेटा पे CH3, एक बार पैरा पे CH3 और एक OCH3, कितने बन गए, 5। यस, बोलो बेटा, ठीक है, देख लो आराम से, हमने बताया एक CH2OH, एक में ऑर्थो मेटा पैरा बना दिया, OH यहां फिक्स रखो, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3 और एक OCH3। नेक्स्ट, हाँ इसमें देखो, अब इसमें किरल के कार्बन, किरल कार्बन फोर डिफरेंट ग्रुप, फोर डिफरेंट बैलेंसी, वन ये हो गया, इधर देखो ये इधर Cl, इधर CH3, 2, 3, 4, बोलो सही है। इसमें स्टेटमेंट देखो, इसमें हिंदी पढ़नी, क्योंकि हिंदी है, इसमें इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टॉटोमेरिज्म इज ए फेनोमेनन विच इज कैटलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस, चला होता है एक ऐसी घटना है जो अम्ल के साथ साथ क्षार द्वारा भी उत्प्रेरित होती है, ये बात सही है। टॉटोमेरिज्म ऑलवेज मेटामर, गलत बात, चला होता हमेशा मध्यवर्ती, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया ना, ये सही है। फंक्शनल आइसोमर ऑलवेज टॉटोमर, ये भी बात गलत है, क्रियात्मक समास सदैव चलाया, ये गलत है। ठीक है, नाइट्रोइथेन CH3 CH2, नाइट्रोइथेन ना, N डबल बॉन्ड O O, ये H का ट्रांसफर, नाइट्रोइथेन क्या शो करेगा, चलाया होता है AND 4। ठीक है, 22, अब इस पर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, निम्नलिखित यौगिक के युग्म पर विचार करें, एसीटोन प्रोपेनोन, अरे यार बेटा एसीटोन प्रोपेनोन दोनों सेम ही चीज तो है, तो ये आइसोमर नहीं है। द नंबर ऑफ पेयर कंपाउंड विच आर नॉट पूछा है ना, तो पहला ये हो गया, एक तो ये हो गया, इथाइल एल्कोहल डाइमिथाइल ईथर, ये तो हो जाएंगे, अरे ये देखो ये तो आइसोमर हो गया CH3 CH2 OH और इथाइल डाइमिथाइल ईथर, ये हो जाएंगे दोनों, तो ये नहीं होगा आंसर अपना, आपने नॉट पूछा ना, ये देखो नॉट पूछा ना, कौन सा नहीं होगा, प्रोपेन वन ऑल मिथॉक्सीथेन, प्रोपेन वन ऑल CH3 CH2 CH2 OH और मिथॉक्सीथीन, मिथॉक्सीथेन है, तीन बाद सात आठ तीन है ना, तो ये भी प्रोपेन वन ऑल मिथॉक्स है, ये प्रोपीन साइक्लोप्रोपीन ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बोलो प्रोपाइन साइक्लो प्रोपीन साइक्लो प्रोपीन, ये भी ये आइसोमर है, प्रोपाइन साइक्लो प्रोपीन, जिसे प्रोपाइन है एंड साइक्लो प्रोपीन, ये हो जाएगा, तो ये आंसर, तो ये हमारा प्रोपाइन साइक्लो प्रोपीन नहीं लोगे क्योंकि आइसोमर हैं। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल डाई मिथाइल एल्कोहल और डाइमिथ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो ये भी हमें लेना है, ये नहीं लेना है। प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोन, भाई एसिड है उसमें ओन, दो कार दो ऑक्सीजन ऐसे पकड़ लो, प्रोपेनोइक एसिड में कितने ऑक्सीजन आएंगे, दो, प्रोपेनोन में एक, तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब ये आइसोमर दोनों नहीं है, हमसे ये पूछा है कौन सा नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 कौन सा आंसर हुआ, देखो सही ना, ठीक बोलो, अरे बात पकड़ लिए,
इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है कई चीजें आपको पढ़नी पड़े, लेकिन अपने ये पूछा गया है कि कौन सा आइसोमर नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, दोनों में सेम है तो वो आइसोमर होगा, ठीक है ना। चले आगे, और एक डायरेक्ट ट्रिक वाला है, डी यू निकाल लो, डी यू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस टू इंटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कुछ में तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 23, ये कॉलम मैचिंग की बात है, बिल्कुल सही है। अब ये है ऑर्थो और ये मेटा, 13 पे है देखो, तो ये आ जाएगा किससे, पोजीशन पे। यहां ये पोजीशन भी हो सकता है और मेटामर, ऑप्शन से देख लेंगे कौन सा है, और पोजीशन और मेटामर होगा तो किस पे, तो मेटामर कहां पे है, ये आ गया, ये है आपका, देखो H ले गया यहां ट्रांसफर, तो ये हो गया टोटोमेरिज्म, ये हो गया, और ये हो गया जी आई, सिसो ट्रांस है ना, तो ये आ गया जी आई, बोलो सही है। तो आंसर ए का मिलान किससे करना भाई, ए आ गया आपका 3 से, दो ऑप्शन ऐसे दिख गए, बी का मिलान, बी हो गया 1 से, ये वाला आ गया C2 से होगा, देखो C2 से है, D4 से, ठीक है। एकदम अपनी हर बात को सुनो, ठीक है। इसमें मेटामर को कहते हैं मध्यवता, टोटोमेरिज्म चलाया होता, पोजिशन ऐसे स्थिति, ज्योमेट्रिकल ज्यामिति, ठीक है, ये है। अब इसमें भी अपने को कंपाउंड दे रखा है, पूछा है मैच द फॉलोइंग कंपाउंड, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, CH3 CH2 CHO, बोलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 काइरल, CH3 CH2 CHO, ये तो एल्डिहाइड है, कीटोन के साथ क्या हो जाएगा, फंक्शनल। 2 ब्यूटीन क्या हो जाएगा, GI, ये हो गया काइरल OI, और ये कंफर्मर। तो देख लो A का किससे होगा, 2 से, ये दो ऑप्शन दिख गए, और D है 4 से, कट से आंसर मारो। B है आपका 3 और सी है आपका 1, बोलो। एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल, डबल बॉन्ड कराउंड डिफरेंट ग्रुप लगाया तो GI, ठीक है। ये देखो सिंपल IUPAC क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 5 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो हेप्टा, 7 कार्बन हेप्टा, 1 3 5 ट्राइन, बोलो बेटा हेप्टा 1 3 5 ट्राइन। ये देखो सिंपल, सीसी के बीच में आपको क्या बताना है, क्या बताना है, हाइब्रिडेशन, तो SP और ये SP2, एक तरीका बस इसको ऐसे खोल लो, HC ट्रिपल बॉन्ड CCH डबल बॉन्ड CHH, हमें इसी को बताना है, तो ऐसे गिनना है SP1 P2 P3, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको एक ही ऑर्बिटल देना है आपको, तो ये गया SP, ये SP1 P2, तो SP SP2 कौन सा है, 3rd, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, देख लो पहले इसको, देख लिया, नेक्स्ट चले, ये देखो शानदार कंफर्मर आइसोमर क्वेश्चन है, इन द गिवन कंफर्मेशन C2 इज रोटेट अबाउट C2 C3, ये C2 C3 है, एंटी क्लॉज बाई एंगल 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री। देखो ये है, अगर ये 60 घुमाते हो, तो देखो ये इधर 60 किया तो इधर भी आ गया 60, तो ये अगर जो 120 मतलब CH3 आ जाए यहां, और ये CH3 कहां चला जाएगा, यहां, यही तो 120 है, ये 120 है पूरा, तो ये घुमाओगे तो ये CH3 आ जाएगा यहां, मतलब ये कौन सा होगा, गाउस, ये भी कौन सा है, एंटी, अगर 120 घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गाउस। 28 ध्यान से देखो, मिरर इमेज है, देखो एनेंसियोमर डायस्टोमीजो, एक लाइन में सुन लो, एनेंसियोमर मिरर इमेज, ऑप्टिकल आइसोमर कॉमा मिरर इमेज बट नॉट सुपर इंपोजिबल,
डायस्टोमर नाइदर मिरर मेज नॉन सुपर इम्पोजिबल, मीजो सिमेट्रिकल कंपाउंड हो कम से कम दो कायरल। तो देखो इधर ये मिरर इमेज है तो मिरर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, कौन सा होगा डायस्टोमर। देखो देख लिया ये तीनों, जो बात बोली उसको पकड़ो, उसको लाइन को तुरंत वहीं लिख लो। हाँ, आइसोमर विच कैन बी कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड कंफर्मर। और एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ब्यूटेन के जो एनसीईआरटी में है, ब्यूटेन कन्फर्मर आइसोमर शो करता है, पूछे कितने, तो इनफाइनाइट, क्योंकि कोई बच्चा एक वन डिग्री घुमाए, कोई टू डिग्री, कोई थ्री डिग्री, ऐसे कई बनेंगे। ठीक है डियर, नेक्स्ट। हाँ ये देखो कॉलम मैचिंग यहां की बात है, ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन, ये क्या है पोजीशन, आ जाओ पोजीशन कहां है, पोजीशन ये है पोजीशन आर। ये देखो मेटामर्फ, ध्यान सुनो, हम एल्काइल ग्रुप को चाहे जैसे चेंज करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए सेम। तो ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप, इधर तीन कार्बन, इधर दो और एक कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा मेटामर। बोलो यहां एसिड देख रहे हो ना, और यहां एस्टर, तो ये क्या हो गया फंक्शनल, और ये 1 4 1 2, तो ये हो जाएगा पोजीशन। तो रुक जाओ, तो ये डी गया, डी गया आर पे, तो दो और लग गया क्या, तो ए पे आर, ए पे आर डी पे आर, ए पे आर डी पे आर किस में है, ये लग गया। बी का क्या है क्यू, सही है मेटामर, और सी एस फंक्शनल, बिल्कुल सही है। देख लो बेटा एकदम साफ सुथरी बातें हैं, हिंदी देखते रहो, रिंग चेन वलय श्रृंखला मेटामर, वलय श्रृंखला मध्यवी, वलय श्रृंखला समावी, पोजिशन आइसोमर स्थिति, फंक्शन आइसोमर क्रियात्मक। ठीक, अब देखो इधर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एक में साइनाइड एक में आइसोसाइनाइड, क्या हो गया फंक्शनल आइसोमर, बिल्कुल सही बात है। दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड सेम मॉलिक्यूलर, आइसोमर की तो मेन कंडीशन यही है, आइसोमर की मेन कंडीशन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए सेम, तो ये बिल्कुल सही है, इसका रीजन भी सही कर रहा है, तो बोथ एसेंशियल रीजन आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आईयूपीएसी नहीं, इस टाइप कॉन्सेप्ट देखो यहां पे सीएन कर सकता है आदमी, सीएचओ कर सकता है, बहुत फेवरेट है एपीएमडी का, सीओएच कर सकता है, सीओसीएल कर सकता है, सीओएनएसयू कर सकता है। तो अगर जो डायरेक्ट चेन से फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन दो से अधिक हो या डायरेक्ट रिंग्स अटैच हो तो स्पेशल सफिक्स लगाते हैं उसको, जिसे सीएन का स्पेशल सफिक्स है कार्बोनाइट्राइल, 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल इज द करेक्ट आंसर। प्रोपेन सीएन का सफिक्स क्या होगा कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल। ये देखो बहुत 15-16 साल पहले ही आया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड, सीयूसीएल का सफिक्स क्या है ऑयल क्लोराइड, पेंटेनोइल क्लोराइड, देख लो सही है। C5H12, उसकी वैसे एक फॉर्मूला ही बताया था वैसे क्लास में, लेकिन यहां तो बना लेना छोटा सा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कितने बन जाएंगे 3। ठीक है, सीधे एनसीईआरटी का है, हाँ एनसीईआरटी में है, C4 से लेके C10, C10 वाले कितने बनेंगे, C10S22 75 बनेंगे, सब देख लेना भाई। सिस डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट ग्रुप, सीधे कौन से दिख रहा है ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 H, ब्यूटीन क्या शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको सिस ट्रांस, एनसीईआरटी में सिस ट्रांस समपक्ष विपक्ष लैंग्वेज यूज किया है, इसलिए जानबूझ के लिखा गया अपने में। अगला, Which among the following constitutional isomerism is specialized functional isomerism in with the open
चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर विद ईच अदर। निम्नलिखित में कौन सी संरचनात्मक समानता एक विशिष्ट क्रियात्मक समानता है जिसमें खुली श्रृंखला संरचना और चक्रीय संरचना एक दूसरे के समान हुई है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, देखो सही क्या ये ऐसे ले लेते रुको ये ले लेते रुको वन 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 टू थ्री फोर है तो हम ले लेते हैं छह की सही है यहाँ ये कर देते हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चलो बढ़ा देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है और यहाँ सिक्स। देखो एक चेन है एक रिंग चेन लेकिन एक ये भी तो देखो इसमें है डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो ये क्या करेगा फंक्शन आइसोमेरिज्म क्या शो करेगा फंक्शन तो वही लैंग्वेज बोल रहा है तो वलय श्रृंखला समानता रिंग चेन आइसोमेरिज्म इसका आंसर होगा। लिखा ना विशिष्ट प्रकार की मतलब रिंग चेन आइसोमर क्या शो करता है एक लाइन लिख लो रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या शो कर सकता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्योंकि एक में डबल बॉन्ड है और एक में क्या है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है डियर नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड शानदार क्वेश्चन C6H5CH डबल बॉन्ड हो जी बेंजल्डिहाइड लिख दिया NH2S के साथ रिएक्शन करा दी चलो तो ये बन गया C6H5CH डबल बॉन्ड NOH तो ये क्या शो किया ज्योमेट्रिकल एनसीईआरटी में कहां पे है भाई सुन लो ये आ जाओगे लियाइड ग्राउंड वहां सब 2,4 एंड डेरिवेटिव फेनिल हाइड्राजीन सिप बे सब बातें हैं। ठीक है नेक्स्ट पेंट वन इन पेंट टू इन ये क्या शो करेंगे पोजीशन आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सब्सटेंट और मल्टीपल बॉन्ड पेंट वन इन पेंट टू इन पेंट वन इन यही तो है यार और पेंट टू इन ये है ये किसकी वजह से है पोजीशन आइसोमेरिज्म किसकी इसमें मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है पोजीशन क्या है डिफरेंट है एक में वन है एक में टू है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये क्या हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म तो ए एंड आर दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए एंड आर बोथ आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन पहला वाला हो गया। ठीक है 39 स्टीरियो आइसोमर 39 देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो पढ़ लिया स्टीरियो आइसोमर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सही बात कितने लाइन पढ़ लो सिस ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन ये क्या है स्टीरियो आइसोमर अरे जीआई जो शो करता है वही तो क्या हुआ स्टीरियो तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट सिस ब्यूटीन है और ट्रांस ब्यूटीन यही तो क्या है स्टीरियो जो जीआई और ओआई शो कर जाए ना वो स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है बेटा और ये लाइन सीधे डिफिनेशन है रेसमिक मिक्सर लाइन सुन लो 1:1 इन एनसोमेरिक मिक्सर इज नोन एज रेसमिक मिक्सर। ठीक है इंक्रीज और देखो कंफर्मर आइसोमर सबसे अधिक स्टेबल होता है एंटी गाउस पार्सली इक्लिप्स फुल इक्लिप्स लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH यहां हम जेड कर दे रहे हैं जनरलाइज सुन लो यहां पे F आ जाए OH आ जाए कोई भी FON से बना हुआ आ गया तो क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में गाउस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म तो सबसे अधिक गाउस एंटी एक्लिप्स ये होगा इंक्रीजिंग पूछा ना देखो 41 देख लिया ये चीज बता दी इसी को कर लो काम OH है अगर यहां पे FON से बना कोई भी है तो गाउस अदरवाइज मान लो कोई ब्यूटेन वगैरह का होता तब कौन सा अधिक होता है एंटी लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड गाउस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी। 42 जीआई के लिए सीधे सुन लो वन कार्बन पे सेम ग्रुप है वो जीआई सो नहीं करेगा 1,3 1,2 डाइक्लोरोपेंटीन ये ना
वन टू यहाँ लगेगा, चलो 1,2 डाइक्लोरो 1-pentene, ये तो कर गया, 1,3 डाइक्लोरो, देखो ये लिखते हैं, वन वन डाइक्लोरो 1-pentene, भाई देखो एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ गया ना, वो जी आई सो नहीं करेगा, देख लो देख लो, एक कार्बन पे सेम ग्रुप है वो जी आई सो नहीं करेगा, एकदम आराम से रिवाइज करना इसको काम। ब्यूटेन 2,3 डाइओल ऑप्टिकल एक्टिव पूछ रखा है, इसमें ध्यान रखना ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला होगा 2^(n-1) + 2^(n/2-1), 2^(2-1), 2^(2/2-1), 2^(1), 2^0, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आए 3, लेकिन ये वाला मामला क्या है ऑप्टिकल एक्टिव, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, देख लेना गौर से, समझ गए, हमने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकाला लेकिन इसमें क्या पूछा है ऑप्टिकल एक्टिव, इसलिए बोल दिया क्या 2, ये वाला, ये ऑप्टिकल एक्टिव के लिए है और टोटल जो फॉर्मूला लिखा है ऑप्टिकल आइसोमर के लिए। नेक्स्ट देख लो, ब्यूटीन, ब्यूटेन 2-ol 1,3 डायमीथर, आराम से रुको इसको करते हैं, इनको ब्यूटीन जी आई कितने बन जाएंगे, सिस और ट्रांस 2, ब्यूटेन 2-ol कायरल है 2^(1) क्या हो जाएगा 2, तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया, इसको बता दे 1,2 डायमीथाइल सिमेट्रिकल है, सीधे फॉर्मूला इसमें 2^(n-1) + 2^(n/2-1), 2^(2-1), 2^(2-1), 2^(1), 2^0, किसी संख्या की पावर 0 क्या होती है 1, तो 2 और 1 क्या हो गया 3। आइसोब्यूटीन एक कार्बन सेम ग्रुप जी आई भी सो नहीं करेगा, तो इसका बन जाएगा 0, इसका हो गया 3, तो सी का क्या हो जाएगा 4, डी का 1, आंसर क्या होंगे सेकेंड, देख लो बेटा आराम से देखो इसको, सबका लिख दिया है, कहीं पे धीरे से बैग जाओ कोई चीज नहीं आई तो उसको कर लेना काम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसको हम खोल के लिख देते हैं पहले, एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला DU इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, पाई बॉन्ड 1, 2, 3, 4, रिंग कितने हैं 1, क्या आ गया आंसर 5, आराम से अपन कोशिश करिए कि उसके बाद भी जैसे DU था तो उसकी फॉर्मूला भी बता दी कि आप इसको आराम से कर सको, मान लो किसी को DU नहीं पता तो DU अपना तुरंत फॉर्मूला DU इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होता है 1 डबल बॉन्ड में 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, ये भी देखो बता दिया, और प्लस नंबर ऑफ रिंग, तो इसकी DU कितनी आ गई 5, आंसर हो गया, ठीक है बेटा आई होप अच्छा किया होगा, कोई गलत हुआ क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, अपना जाके पॉज करके उसको देख लो, उसको कॉपी अपना पूरा सेट करो, फिर अगले टेस्ट पे जुट जाओ, ठीक है, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, CLC आपके साथ है, रेगुलर आप जुड़े रहो और इसको वीडियो देखो पूरा, फिर अगले टेस्ट की तैयारी करो, फिर आगे सोल्यूशन देखो, जो क्वेश्चन आते हैं उसको आगे स्किप कर लो, जो नहीं आते उसको पॉज करके आराम से देख लो, ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप संपर्क में रहो, अच्छा करो, ठीक है, ऑल द बेस्ट डियर, जय CLC, थैंक यू।